सो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी को ज्ञापन एकेडमी के इस नए लेटेस्ट और धमाकेदार वीडियो में। जैसे कि आपको पता है कि क्लास 12 इंग्लिश रेनबो पार्ट 2 जो है, हम उसके प्रॉस सेक्शन के सभी चैप्टर और उसके राइटर के जरिए लिखी गई सारी कहानी को, सारे चैप्टर को, सारे एसेज, स्पीच और स्टोरी को बहुत ही अच्छे ढंग से समझाकर वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। इंग्लिश रेनबो के नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें पूरे प्रो सेक्शन कम्प्लीट है। और फाइनली जो आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं वो है कि आपके प्रो सेक्शन में जितने भी चैप्टर का नाम दिए गए हैं और साथ ही साथ उसके जो राइटर का नाम दिए गए हैं, आपको याद करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती होगी, तो उसका एक सफल ट्रिक लेकर के आए हैं। बस इस कहानी को आपको समझ लेना है। जब इस कहानी को आप समझ लेंगे ना तो 100% याद हो जाएगा। फिर जब आप एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो मैच द फॉलोइंग नाम के चैप्टर के साथ साथ राइटर के नाम आता है तो आपको मैचिंग करने में 1% भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और साथ ही साथ इससे रिगार्डिंग चैप्टर का नाम देकर के जो ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है कि चैप्टर का नाम देकर के राइटर का नाम पूछ लेता है तो ये भी बताने में दिक्कत नहीं होगी। मतलब 100% पूरे यहां से आपको एक सफल ट्रिक मिल रहा है। तो चलिए इस कहानी को समझ लेते हैं और देखिए इस कहानी में चैप्टर का नाम भी है और राइटर का भी नाम है। देखिए कितना बढ़िया से हम सजा करके 100% सफल ट्रिक और सुपर ट्रिक माना जाएगा। अभी तक आप ऐसा ट्रिक भविष्य में कभी नहीं देखे होंगे। आप चाहे कहीं भी ढूंढ लो, मतलब जो मैं ट्रिक लेकर के आया हूं ना, बहुत जबरदस्त और 100% सफल ट्रिक है। तो बिना देर किए हम लोग देखते हैं और इस कहानी को समझते हैं। देखिए यहां पर समझिए, महात्मा गांधी वाज ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। देखिए यहां पर समझिए, महात्मा गांधी वाज ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, यानी जो महात्मा गांधी है ना वो भारतीय सभ्यता के थे। तो यहाँ पर एक बात क्लियर हो गई कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर नाम के जो चैप्टर है उसके राइटर हैं महात्मा गांधी। यहाँ पर क्लियर हो गया। देखिए एकदम समझते चलिए, बहुत आसान है। बस इस कहानी को समझिए और फिर सारे चैप्टर के साथ साथ राइटर का भी नाम याद करते जाइए बाजी। देखिए ही टोल्ड, मानकर चलिए कि महात्मा गांधी ही, माने ही टोल्ड वह कहा, माने उन्होंने कहा आई हैव ए ड्रीम। देखिए अब आपको याद आ जाएगा फट दे कि आई हैव ए ड्रीम नाम का एक चैप्टर है। तो महात्मा गांधी कहते हैं, माने महात्मा गांधी ने कहा आई हैव ए ड्रीम, मेरा एक सपना है, सजेस्टेड बाई मार्टिन लूथर किंग। तो यहाँ पर देखिए एक और चीज़ क्लियर हो गया। यहाँ पर तो आपको बस एक क्लियर हुआ कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के राइटर हैं महात्मा गांधी। यहाँ पर कह रहे हैं कि मेरा एक सपना है, जो किसने दिया, मार्टिन लूथर किंग ने समझाया होगा, तो समझाने के बाद इनका एक सपना बन गया, ठीक है ना। तो ही टोल्ड, महात्मा गांधी ने कहा आई हैव ए ड्रीम, तो आई हैव ए ड्रीम नाम का एक चैप्टर है सजेस्टेड बाई मार्टिन लूथर किंग, यानी कि मार्टिन लूथर किंग के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पे एक और बात क्लियर हो गई कि आई हैव ए ड्रीम नाम का जो चैप्टर है उसके राइटर है मार्टिन लूथर किंग। समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अब इस चीज़ को अपवाद समझिए। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले, क्योंकि मैं कहानी बनाया हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले ये कह रहे हैं कि सबसे पहले आई वॉन्ट टू गिव ए मैरिज प्रपोजल। तो फिर यहाँ पर आपको याद आ जाएगा कि ए मैरिज प्रपोजल नाम का भी एक चैप्टर है टू एंटोन चीको। ये कहना चाहते हैं महात्मा गांधी कि सबसे पहले जो मेरा सपना है ना, वो सबसे पहले ये सपना है कि आई वॉन्ट टू गिव ए मैरिज प्रपोजल, मैं एक शादी का प्रस्ताव देना चाहता हूँ एंटोन चीको को। तो दिए जो भी हम डबल इमोटेड कामा में लिखे हैं ना, वो समझिए तो एक राइटर का नाम है। तो ए मैरिज प्रपोजल नाम का जो चैप्टर है उसके राइटर हैं एंटोन चीको। तो यहाँ तक भी क्लियर हो गया। मतलब अब आप देखते जाइए कैसे कैसे हम पूरे चैप्टर के साथ साथ पूरे राइटर का भी नाम हम लिखते जा रहे हैं और एक कहानी बना दिए। आपको भी लगेगा कि क्या गजब समझाया। यहाँ देखिए, ऑन द अर्थ ऑफ एचीबेट्स, ये कह रहे हैं कि सबसे पहले मैं शादी का प्रस्ताव एंटोन चीको को देना चाहता हूँ ऑन द अर्थ ऑफ एचीबेट्स, यानी एचीबेट्स राइटर का नाम है, द अर्थ नाम का चैप्टर है, यानी द अर्थ नाम का जो चैप्टर है उसके राइटर हैं एचीबेट। तो यहाँ पर देखिए कहानी कैसे बन गया। सबसे पहले मैं शादी का प्रस्ताव एंटोन चीको के देना चाहता हूँ, तो एंटोन चीको के नाम के साथ साथ एक चैप्टर का नाम जुड़ गया ए मैरिज प्रपोजल। तो सीधी सी बात है, ए मैरिज प्रपोजल के राइटर हैं एंटोन चीको। ऑन द अर्थ ऑफ एचीबेट्स, यानी एचीबेट्स के धरती पर, ठीक है ना। तो एचीबेट्स नाम का एक व्यक्ति है जिसके चैप्टर का नाम है द अर्थ, ठीक है। अब यहां पर देखिए, दिस आइडिया हेल्प द मैन काइंड, देखिए ये जो विचार था ना मानव को बहुत माने हेल्प किया। तो द आइडिया दैट हेल्प द मैन काइंड नाम का एक चैप्टर है, यहां से भी आपको याद आ गया कि द आइडिया दैट हेल्प द मैन काइंड सीड बर्ट्रेंड रसेल। देखिए यहां पर डबल इनवर्टेड कॉमा में लिखे हैं, यानी कि ये जो विचार था ना, जो मैरिज प्रपोजल एंटोन चीको के देना चाहते थे, ठीक है ना, किसके धरती पर, एचीबेट्स के। तो यहां पर जैसे ही यहां पर
क्लियर हुआ। तो यहाँ पर आगे बात बढ़ रही है कि ये जो विचार था ना, ये मानव जिंदगी को, मानव जीवन को काफ़ी हेल्प किया, ठीक है ना। तो द आइडिया दैट हेल्प द मेन काइंड नाम का जो चैप्टर है यहाँ से याद आ गया, तो इसके राइटर है बर्तरेंड रसेल। किसने कहा? बर्तरेंड रसेल, यानी बर्तरेंड रसेल ने कहा वाह ये तो आइडिया बहुत अच्छा है, ये मानव जिंदगी को काफ़ी हेल्प करेगा। अच्छा का बात है कि कोई शादी का प्रपोजल दे रहा है किसी को, ठीक है ना। तो दिस आइडिया हेल्प द मेन काइंड से क्या याद आ गया? आइडिया डेट हेल्प द मेन काइंड नाम का एक चैप्टर है जिसके राइटर हैं बर्तरेंड रसेल। क्लियर हो गई बात? अब देखिए यहां पर, आफ्टर हियरिंग दिस, यानी यह सुनने के बाद द आर्टिस्ट सीगानो, देखिए ये सारा कहानी सुनने के बाद द आर्टिस्ट कलाकार, तो द आर्टिस्ट नाम का एक चैप्टर है, आप खुद देखिएगा प्रो सेक्शन में अपना, यानी द आर्टिस्ट नाम का जो चैप्टर है, ठीक है ना, जिसके राइटर है सीगानोया। तो ये सब सुनने के बाद, आफ्टर हियरिंग दिस द आर्टिस्ट सीगानोया, यानी कि सीगानोया द आर्टिस्ट यानी कलाकार, ठीक है ना, ये सब सुनने के बाद द आर्टिस्ट सीगानोया कॉल द प्रेस ड्रोथी एल्सायर्स। देखिए अब यहां पर क्या क्या क्लियर हो गया, यहां पर सुनने के बाद द आर्टिस्ट नाम का एक चैप्टर है जिसके राइटर है सीगानोया, ठीक है। तो सीगानोया के द्वारा लिखा गया द आर्टिस्ट, यानी ये सब सुनने के बाद द आर्टिस्ट सीगानोया कॉल द प्रेस ड्रोथी एल्सायर्स। अब देखिए द प्रेस नाम का जो चैप्टर है उसके राइटर कौन है? ड्रोथी एल्सायर्स। तो यहां भी क्लियर हो गया कि ये सब सुनने के बाद किसको बुलाया उन्होंने, सीगानोया किसको बुलाया? प्रेस को बुलाया कि चलिए अब इस बात को प्रसारित किया जाए, यानी कि द प्रेस को बुलाया, और ये प्रेस जो पत्रकारिता करने वाले थे वो है ड्रोथी एल्सायर्स। तो यहां भी एक राइटर का नाम इसके साथ मिल गया, यानी द प्रेस नाम का जो चैप्टर है, हाउ फ्री इज द प्रेस, ये जो चैप्टर है तो द प्रेस से आपको याद आ जाएगा हाउ फ्री इज द प्रेस, जिसके राइटर है ड्रोथी एल्सायर्स। अब आगे देखिए कहानी के साथ क्या होता है, She came through Indian travels. अब देखिए मान लीजिए इन्हीं को मान करके चलिए, She came, वे आई, माने वो आई through Indian travels, यानी इंडिया ट्रेवल थ्रू ट्रेवल्स आइज, इंडिया थ्रू ट्रेवल्स आइज नाम का जो चैप्टर है यहां से आपको याद आ जाएगा, इंडियन ट्रेवल्स, ठीक है ना, इंडिया थ्रू ट्रेवल्स आइज, यहां से डायरेक्ट आपको नाम याद आ गया। तो देखिए शी केम, वो आई थ्रू इंडियन ट्रेवल्स बाय पर्ल इस वक्त, यहाँ पर डायरेक्ट नजर आ रहा है कि इंडिया थ्रू ट्रेवल्स आइज नाम का जो चैप्टर है उसके राइटर है पर्ल इस वक्त, ठीक है ना। तो पर्ल इस वक्त के यात्रा से, माने भारतीय, ठीक है ना, यात्रा, जैसे इंडिया थ्रू ट्रेवल्स आइज नाम का जो चैप्टर है, ठीक है ना, तो इसको हमने एक ट्रेवलर्स का नाम रख दिया, ठीक है ना। तो वो किससे आई? इंडिया थ्रू ट्रेवल्स आई, जिसके राइटर है पर्ल इस वक्त। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। फिर यहाँ पर देखिए, शी हैड ए चाइल्ड विथ हर, ठीक है ना यहां पर देखिए, सी हैड ए चाइल्ड विथ हर, उनके साथ जब वो आई ना, तो उनके साथ एक बच्चा भी था, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है कि ए चाइल्ड नाम का एक चैप्टर है, ए चाइल्ड इज बर्न नाम का, तो ए चाइल्ड इज बर्न के राइटर कौन है? नेमली जर्मेन ग्रीन। तो यहां पर यह भी क्लियर हो गया कि उनके साथ जो एक बच्चा आया था साथ में, ठीक है ना, तो ए चाइल्ड इज बर्न नाम का एक चैप्टर का नाम याद आ गया, और उसके राइटर कौन है? जर्मेन ग्रीर। क्या नाम है उनका? जर्मेन ग्रीर। तो देखिए यहां पर क्लियर हो गया कि नहीं, ए चाइल्ड इज बर्न नाम के चैप्टर का राइटर कौन है? जर्मेन ग्रीर। व्हेन मनोहर मालगोंकर, आप देखिए यहां पर थोड़ा सा आपको और मजा आने वाला है, ये सारी चीजें होने के बाद, व्हेन मनोहर मालगोंकर साव, जब मनोहर मालगोंकर ने देखा, तो मनोहर मालगोंकर नाम का एक राइटर है, पल ही राइटर के यहाँ पर थोड़ा सा नाम दे दिए, ठीक है ना। तो देखिए मनोहर मालगोंकर जैसे ही देखा साव, ही टूक ए पिंच ऑफ ए स्नॉप, तो यहाँ पर देख लीजिए बहुत आसान, मनोहर मालगोंकर साव, ठीक है ना, ही टूक ए पिंच ऑफ ए स्नॉप, जैसे ही मनोहर मालगोंकर ये देखा कि एक, माने क्या है, यहां पर देखिए, शी हैड ए चाइल्ड विथ हर, मतलब जब वो आई, ठीक है ना, तो देखा कि उनके साथ एक बच्चा है जिसका नाम क्या था? जर्मेन ग्रीर। तो जैसे ही व्हेन मनोहर मालगोंकर साव, जैसे ही मनोहर मालगोंकर देखा, ठीक है ना, ही टूक ए पिंच ऑफ ए स्नॉप, तो सबसे पहले खैनी बना करके खा लिया, मतलब कि क्या, एक चुटकी खैनी। तो यानी ए पिंच ऑफ ए स्नॉप नाम का जो चैप्टर है उसके राइटर कौन है? मनोहर मालगोंकर, ठीक है। अब यहां देखा, एंड और सेड टू डॉक्टर जाकिर हुसैन, और ये मनोहर मालगोंकर जो है ना, जाकिर हुसैन से कहते हैं कि समवन हैज कम टू भारत। तो यहां पर डायरेक्ट क्लियर हो गया कि डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत इज माई होम के राइटर हैं। तो आई होप कि ये कहानी बहुत ही अच्छा से आपको समझ में आया होगा, और समझ में आने के साथ साथ आपको ये भी समझ में आया होगा कि
चैप्टर का नाम क्या है और उसके राइटर कौन है, ठीक है ना। तो यानी इस कहानी के माध्यम से चैप्टर के नाम के साथ साथ आपको राइटर का भी नाम आई होप कि आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा, याद हो गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को बार बार रिव्यू करके समझने की कोशिश कीजिएगा। बहुत ही जबरदस्त ये कहानी हम बनाए हैं और इस कहानी में चैप्टर के नाम के साथ साथ राइटर का नाम भी छिपा हुआ है और आपको 100% ये सफल ट्रिक है। आप एक बार नहीं चार बार देखने की कोशिश कीजिए, फिर आपको दिखेगा। मैं गारंटी देता हूं कि आप चैप्टर के नाम के साथ साथ, ठीक है ना, राइटर का नाम जिंदगी में कभी भी आप नहीं भूलेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।